वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन मेल्स, मतलब पुरुषों में जो पेशाब संबंधी बीमारियां होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या है, इसकी जांच कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको कैसे रोकथाम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है पेशाब के दौरान दर्द या जलन महसूस होना, मतलब जो पेशाब की नली है जो पेशाब को बाहर ले जाती है उसमें जलन या चुभन महसूस होती है। दूसरा ये होता है कि बार बार पेशाब आना, मतलब जितना नॉर्मल जाते हैं उससे ज़्यादा आपको पेशाब लग सकता है, 2 या 3 बार उससे ज़्यादा। और पेशाब जब लगता है तो मन करता है कि अभी तुरंत पेशाब करना होता है, ऐसी आपको फीलिंग है। और क्या होता है, पेशाब करने में आपको इसी वजह से कठिनाई वगैरह महसूस हो सकती है, रुक रुक कर जो है पेशाब आ सकता है। साथ में काफ़ी बार क्या होता है, इसकी वजह से आपके पेशाब में पस या खून वगैरह भी आ सकता है। तो पुरुषों में यूटीआई इन्फेक्शन के और क्या लक्षण होते हैं, तो जो पेशाब होता है उसका रंग बदल सकता है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, साथ साथ में आपको खांसने में या दूसरे में जो परेशानी वगैरह भी हो सकती है। और इसके कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो कारण होता है यूटीआई इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो सबसे आम होता है, जो पुरुषों में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यदि आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से आपको हो सकता है, जिसमें कि क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, नेसेरिया गोनोरिया वगैरह जो होते हैं बहुत कॉमन जो होते हैं इन्फेक्शन होते हैं जिस जो आपको हो सकते हैं। और क्या कारण हो सकता है, यदि आपको गुर्दे में पथरी है तो इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यदि आपने कैथेटर वगैरह का इस्तेमाल किया इसकी वजह से हो सकता है, काफ़ी बार आपको लेटेक्स या कॉन्डोम्स वगैरह की एलर्जी की वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। उसके अलावा और क्या कारण होते हैं, यदि आपकी इम्यूनिटी कम है, हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है, एचआईवी है, टीवी है, एड्स है, ये लीवर की बीमारियां हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है बार बार आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन की, यदि आपको है तो उसके लिए आप टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन और माइक्रोस्कोपी। उसमें पता चलेगा कि पस सेल्स कितना है, इन्फेक्शन है कि नहीं है, खून आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका कलर कैसा है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद यदि आपको इसमें पस सेल्स वगैरह आते हैं तो आपको यूरिन कल्चर वगैरह टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसका रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आएगी तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा तो पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया के संबंधित आपको उस इन्फेक्शन से रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट होगा। और आपको अन्य टेस्टों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि एक्सरे वगैरह है, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, या सीटी स्कैन वगैरह की भी आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ सकती है इलाज के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि और आपको एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह क्या है। तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कल्चर की रिपोर्ट में कौन सा बैक्टीरिया पाया गया है, तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है उसी हिसाब से होता है। आपके डॉक्टर बिना कल्चर की रिपोर्ट कराए भी आपको जो होता है बैक्टीरियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ साथ में पेन किलर्स वगैरह होती हैं, जैसे कि एसिटामिनोफिन, एबोप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक वगैरह आपको जरूरत पड़ सकती है। साथ साथ में आपको खूब सारे जो होते हैं तरल मेडिसिन, लिक्विड डाइट वगैरह लेनी पड़ सकती है, साथ साथ में दही वगैरह है उसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। और क्या करना होता है इन्फेक्शन की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आपको पेशाब लगे तो पूरी तरीके से पेशाब करें और आप पेशाब को अपने रोके नहीं, तो रोकना भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। ढीले अंडरवियर पहने, जिससे क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। यदि आपको पहले से कोई डायबिटीज है, प्रोस्टेट है, किडनी स्टोन है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट आप जरूर करवाएं। साथ साथ में अच्छी तरीके से हेल्दी जो है लाइफस्टाइल लें, आप पब्लिक टॉयलेट वगैरह का कम से कम यूज़ करें और उसके पेशाब करने के बाद जो है उसको अच्छी तरीके से पोंछ लें। बाकी इंटरकोर्स वगैरह भी आप कर रहे हैं तो उसके बाद पेशाब ज़रूर करें और वहाँ की सफाई रखें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। With this, thank you very much for watching Health Rambo.